Dear students, in this video, I will tell you about the mean value theorem. There are two types of mean value theorem, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. दोनों को mean value theorem कहते हैं, लेकिन Lagrange's को in short LMV भी कहा जाता है, Lagrange's mean value theorem. सबसे पहले कि इनको हम किस तरह से करेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस, और क्वेश्चन किस तरीके के होंगे. सबसे पहले हम कॉमन स्टेप्स बताएंगे, फिर ग्राफ से समझाएंगे. कॉमन स्टेप्स दोनों थ्योरम के लिए, रोलेस थ्योरम हो या लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम हो, सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा. ये क्वेश्चन होगा आपका कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यू हैव टू वेरीफाई रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजीज थ्योरम, y इज इक्वल टू एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. a कॉमा b क्लोज्ड इंटरवल में, यानी a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड एंड बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर. देन फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन, फर्स्ट यू विल चेक क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है. फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब तभी होता है जब कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं. ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं. जैसे क्यूबिक इक्वेशन हो गई, फोर्थ पावर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक जितने भी ये सब एक्सप्रेशंस हो गए, ये सारे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस, ये सारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं और ये कंटिन्यूअस ही होते हैं किसी भी नंबर पर. अच्छा, डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू, जैसे आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले एक्सरसाइजेस में, कंटिन्यू का मतलब होता है कि वो कहीं पे जब हम ग्राफ खींचे तो कहीं ब्रेक ना हो, यानी कहीं इन्फिनिटी ना आवे. तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल में कहीं इन्फिनिटी नहीं आएगा, कोई भी हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं. इसी तरह साइन और कॉस फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होते हैं, क्योंकि उनकी रेंज ही माइनस वन से वन होती, कहीं इन्फिनिटी आता ही नहीं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं इन्फिनिटी नहीं आता है. लॉग फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, बट ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर, मींस ग्रेटर देन जीरो नंबर. इफ लॉग एक्स इज देयर, देन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. जीरो या जीरो के नीचे लॉग डिसकंटिन्यू हो जाता है. इसी और टैन फंक्शन है, कॉट फंक्शन है, सेक है, कोसेक, इन सब में कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आता है. इस वजह से ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं होते. तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या इस डोमेन में, यानी ए कॉमा बी ये डोमेन है, एक्स की वैल्यूज है, क्या इस डोमेन में कंटिन्यूअस है, यानी कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है. तो फिलहाल वो लिखना नहीं है, कहीं प्रूव नहीं करना है, बस केवल लिख देना है. बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. बिकॉज इट इज साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन. अच्छा, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूअस. जैसे हमारे पास साइन फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल. देन यू विल फाइंड द डिफरेंशिएशन, मींस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. और एफ डैश एक्स को भी इसी तरह से देखना है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है. एग्जिस्ट करने का भी मतलब यहां पे कहीं इंफिनिटी तो नहीं आ रहा है ए और बी, ए और बी ओपन इंटरवल में, यानी ए और बी को छोड़ के उनके बीच में कितने भी नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर से हम रख के, और कहीं इंफिनिटी ना आए. तो इसका मतलब ये जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है या एग्जिस्ट कर रहा है. ये कॉमन स्टेप्स जो हम बता रहे हैं. इसके बाद हम एफ ए फाइंड करेंगे, एफ बी फाइंड करेंगे. कहां से फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट जो इक्वेशन होगी, यानी फर्स्ट इक्वेशन तुम कह सकते हो या क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा होगा, इन दिस यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज a द फर्स्ट डोमेन एंड द लास्ट डोमेन दैट इज b द वैल्यू ऑफ x एज b. तो पहले एफ ए निकालेंगे और फिर एफ बी निकालेंगे. तो जहां जहां पे x होगा वहां a रख देंगे तो एफ ए निकल आएगा, जहां x होगा वहां b रख देंगे तो एफ बी निकल आएगा. अब इसके बाद से चालू होता है कि डिस्टिंग्विश, मतलब हम कर सकते हैं कि रोलेस को और लैग्रेंजीज को. तो कैसे इसको अलग करते हैं, तो सबसे पहले आइए रोलेस थ्योरम में. ये कॉमन स्टेप्स है, इनको आपको करना ही करना है दोनों थ्योरम के लिए.
अब सबसे पहले हम आते हैं रोलेस थ्योरम में। तो रोलेस थ्योरम में इसके बाद एफ एफ बी निकालने के बाद में इफ हमें पता चल जाएगा कि एफ ए और एफ बी क्या निकले हैं, तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगा। तो लिखेंगे कैसे, इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यू सी जो कि बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, यानी ए और बी के बीच ही होनी चाहिए। अच्छा, सच दैट मतलब कब हम निकाल पाएंगे, जब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जो डिफरेंशिएशन हमारा निकला है एफ डैश एक्स उसमें एक्स की जगह सी रखेंगे तो जो वैल्यू निकले एफ डैश एक्स निकला है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो करेंगे, यहां पर हमें फिर बाद में इक्वेशन बनेगी और सी की वैल्यू निकल आएगी। देन यू विल चेक वेदर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, अगर लाइज हो रहा है तो ये रोलेस थ्योरम वेरीफाई करेगा, अगर लाइज नहीं हो रहा है तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी ये जो हमने फर्स्ट स्टेप बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, सेकंड स्टेप बताया कि डेरिवेबल भी एग्जिस्ट होना चाहिए और तीसरा स्टेप ये बताया कि सी लाइज होना चाहिए, तो यदि ये तीनों में से कोई भी एक एनीवन इज नॉट सेटिस्फाइड इट मींस रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड, तो रोलेस थ्योरम नहीं वेरीफाइड। अच्छा, अब इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हम ग्राफ से भी बता देते हैं कि ये ए और बी जो डोमेन लिया है, जो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व लिया है और जो C है कौन सा पॉइंट कहां मिलेगा उसके लिए हम बता रहे हैं और ये क्यों लेते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, मतलब कि इस तरह से आपको लिखना है और C निकालना है और बाद में लिखना है हैंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, ये लिखना है। अब मैं इसको ग्राफ पे बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा समझने की कोशिश है कि जैसे ये हमारे पास में y इज इक्वल टू जो हमने बताया फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन कोई भी कहीं भी कर्व हमने बनाया इसका कहीं भी। अच्छा, ये कह रहा है कि a और b डोमेन में यानी क्लोज इंटरवल a और b में, तो एक पॉइंट हमने कैपिटल ए यहां ले लिया, एक पॉइंट कहीं पर ले सकते, यहां पर ले सकते, यहां पर ले सकते, कहीं पर ले सकते, और इसको हमने यहां पे ज्वाइन किया और ये पॉइंट ए है जिसको हम डोमेन कहते हैं यानी ए और बी, और ये पॉइंट हमारा बी है एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस। जैसे पता है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर हम ये वैल्यू निकाले तो ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स में एक्स की जगह ए रख दे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी यानी एफ ए मिल जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं एफ ए और इसको कह सकते हैं एफ बी। अब हमने लिखा है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए यानी ए से बी के बीच में फंक्शन पूरा कर्व कंटिन्यूअस यानी कहीं पे इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। फिर हमने लिखा कि यदि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, यदि मतलब इफ, जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, जब इक्वल हो जाएगी तो यहां पर देन देयर एग्जिस्ट, हमने ये भी लिखा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यू सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इन दोनों के बीच में जिस पर की टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब होता है टेंजेंट यानी स्लोप, क्योंकि किसी कर्व को यदि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम dy by dx दैट इज कॉल्ड टेंजेंट या स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ द कर्व अगर पैरेलल टू x एक्सिस है इसका मतलब कि उसकी वैल्यू जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, तो tan जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो f डैश c इज इक्वल टू जीरो तभी ये आता है। तो इस तरीके से हम ये निकाले, अच्छा कहीं भी टेंजेंट खींचा जा सकता है लेकिन हमें वही पॉइंट लेना है जिस पर कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, और वो केस कब होगा, जब एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल होगी। अब हम सेकंड पे आते हैं, ये तो रोलेस थ्योरम के बारे में हुआ, अब हम सेकंड में आते हैं कौन सा, लैग्रेंजीज।
तो पहले दो पॉइंट और एफ ए और एफ बी निकालने तक तो ठीक है। लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम में हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में एफ ए एफ बी निकालने के बाद, अभी हमने रूलेस में लिखा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, लेकिन जरूरी नहीं है ना, तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होता है तो क्या करेंगे, अभी हम इसी में बताएंगे आपको। तो फिर लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, फिर उसी तरह से देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सेम वन रियल, इधर लिख देते हैं वन रियल वैल्यू सी बिलोंग्स टू ए एंड बी, बिल्कुल वही थी। लेकिन जब हम यहां सच दैट लिखते हैं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम एफ बी जो निकाले हैं यानी जो वैल्यू अनइक्वल आई है उसको रखेंगे, बी और ए की वैल्यू रखेंगे, और यहां जो डिफरेंशिएशन किया है वहां पे एक्स की जगह सी रख करके इसको इक्वेट करेंगे और तब सी की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अब ग्राफ में कैसे इसको हम बताएं आपको, कि यही ग्राफ अगर हम जैसे है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो अगर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो रहा है इस केस में, मान लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर है ये पॉइंट, इसको हम यहां पे कर देते हैं है? और ये चीज ऐसे आ गई, अब ये बी पॉइंट हो गया, ये एफ बी हो गया, सीधी सी बात है। तो क्या होगा कि ये एफ डैश सी ये इसके बराबर है, ये है क्या चीज, ये है जब हम इस लेंथ को इस पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो यहां पर ये वैल्यू अगर हम इससे एक पैरेलल लाइन खींचे यहां पे और ये ट्रायंगल ये थीटा बन जाए, तो ये पॉइंट ये लेंथ यानी ए से लेके अगर हम इसको एम मान लें, तो बी एम कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, क्यों, क्योंकि पूरा एफ बी है और ये एफ ए जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास में ये लेंथ कितनी आएगी ए एम, चूंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये बी है, ओरिजिन से ए है, तो यानी इतनी लेंथ कितनी होगी बी माइनस ए होगी। अब हमको करना क्या है कि एफ डैश सी ये स्लोप है, एफ डैश सी क्या होता है स्लोप होता है ऑन द ऑफ द कर्व, तो एक कहीं एक पॉइंट सी होगा जो दिखा है हमने, जो पैरेलल होगा कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी यहां पे एक पॉइंट सी होगा, द स्लोप ऑफ द कर्व या टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, उस केस में। अब जब इस ये स्लोप ये दोनों पैरेलल हो गए, तो यानी अगर हम इसका टैन थीटा निकाल लें तो यही हमारा इसका स्लोप भी हो जाएगा, बिकॉज टैन थीटा और स्लोप या डी वाई बाई डी एक्स सब इक्वल होते हैं, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही चीज लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से हम लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे जिसको कि आप वेरीफाई करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। इसमें ए और बी को याद रखेंगे कि ए और बी हमारा डोमेन होता है। अब जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है एफ ए इज इक्वल टू वेरीफाई रोलेस थ्योरम या वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ए और एफ ए और एफ बी के बाद आने पे ही पता चलेगा कि ये रोलेस में आ रहा है कि ये लैग्रेंजीज में आ रहा है। तो जैसे हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और यहां ऐसे जीरो टू वन, जीरो टू वन में हमको वेरीफाई करना है। अब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी, तो ये हमारा क्या हो गया एफ एक्स हो गया, इक्वेशन वन इसको कर देते हैं। सबसे पहला बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ये दिखाई दे रहा है, तो बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल। अच्छा, किसमें ये लिखना जरूरी है, इन कितने इंटरवल पे
क्लोज इंटरवल पे, तो क्लोज इंटरवल हमारा 0 और 1 है, 0 और 1 लिख लिया। अब सेकेंड है हमारे पास में कि उसको डिफ्रेंशिएट करना, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा दें, या हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा है। क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है? यस इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल होने का मतलब ये डिफरेंशिएबल है। सो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन, किसमें हमने बताया था, ओपन इंटरवल। तो यहां क्लोज नहीं लगेगा, ओपन हर एक पे मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहां क्लोज लग रहा है कहां पे ओपन लग रहा है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, वी फाइंड एफ ए एंड एफ बी। तो एफ ए एफ बी हमने जो कहा है, तो यानी ए का मतलब क्या हुआ, 0, और बी का मतलब क्या हुआ, 1, क्योंकि 0 और 1 ये हमारे ए और बी है। अब इसको हम यहां पे निकालते हैं, इक्वेशन 1 में रख के निकालना है, x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले f0 निकाले तो ये 0 आएगा, फिर f1 निकाले ये भी 0 आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब दोनों 0 आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोलेस थ्योरम में आता है। सो बिकॉज हम लिख सकते हैं, बिकॉज f0 इज इक्वल टू f1, देन देयर ये लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल वैल्यू c सच दैट इट बिलोंग्स टू 0,1 और सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर यही ना इक्वल होता तो हम एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, यानी एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 1 माइनस 0 लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये इक्वल है दोनों, इस वजह से ये फॉर्मूला। अच्छा एफ डैश सी कहां से आएगा, अभी हमने जो डिफरेंशिएशन किया है उसको आपको रखना है डिफरेंशिएशन में एक्स की जगह सी। तो डिफरेंशिएशन क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था, डिफरेंशिएशन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x x माइनस 1 इतना था। तो इसमें हम c माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2c c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए c माइनस 1 कॉमन हो रहा है, जो इजिली मतलब फैक्टराइज करना है, तो c माइनस 1 ये आ गया पहला, ये ऊपर हम कर देते हैं इसको फैक्टराइज। तो पहले कॉमन ले ले c माइनस 1 और फिर मिडिल ब्रैकेट, यहां c माइनस 1 बचा और प्लस 2c बचा इज इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 और ये आया हमारा 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में दो वैल्यूज आई, एक c इज इक्वल टू 1 और एक 1/3। ये जो 1 है ये नहीं लाई कर रही क्योंकि ओपन है, 1 को तो हमें दोनों के बीच में चाहिए, बट c बिलोंग्स टू c मींस c इज इक्वल टू 1/3 बिलोंग्स टू 0,1। तो लिखेंगे हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से हम करें। अब एक लैग्रेंजीज का हम बता दे रहे हैं आपको कि लैग्रेंजीज को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है ये भी। लैग्रेंजीज में एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस लॉग एक्स, एंड इन द इंटरवल 1,2 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द इंटरवल 1,2। हाउ डू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप होगा क्या, कि ये
क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 1,2 में? अभी हमने बताया कि लॉग फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है जब लॉग के साथ जो नंबर हो वो ग्रेटर देन जीरो हो। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, 1,2 जीरो आएगा ही नहीं, जीरो से नीचे भी नहीं आएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं इंफिनिटी नहीं आएगा इन द गिवन डोमेन में। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 1,2 क्लोज इंटरवल, ये दिखाना है। बिकॉज लॉग एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द गिवन डोमेन, एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो सब पूरा हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड है वी फाइंड एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स निकाले, पहले निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो 1 माइनस लॉग एक्स और फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स यानी कि माइनस वन आ जाएगा। हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस वन प्लस वन माइनस लॉग एक्स। ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी आई माइनस लॉग एक्स डिफ्रेंशिएशन। तो जब माइनस लॉग एक्स आया तो ये क्या कॉन्टिन्यूअस है या एग्जिस्ट का, कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा? यस, कहीं नहीं आ रहा। क्यों? ओपन इंटरवल 1,2 में कहीं इन्फिनिटी आएगा ही नहीं। लॉग की कोई भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में रख दें तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1,2। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें एफ ए निकालना है और एफ बी निकालना है। किसमें रख करके एफ ए और एफ बी निकालना है? पहली इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन आया है। वी फाइंड, थर्ड पार्ट है ये, वी फाइंड एफ वन एंड एफ टू। तो ये निकालेंगे, पहले x की जगह 1 रखेंगे, तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो f1 कितना आएगा? जो क्वेश्चन हमारा है वो है x into 1 minus log x, तो 1 रखकर 1 minus log 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है यानी ये 1 आ गई। अब f2 निकाला तो ये कितना आया हमारा 2 1 minus log 2, ये आया हमारा 1 minus log 2। ये वैल्यू जो आई है इसमें जितने भी क्या हम कह सकते हैं कि f1 और f2 इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 आ रहा है, ये 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस log 2 आ रहा। सो f1 इज नॉट इक्वल टू f2। जब ये पता चल जाए कि दोनों इक्वल नहीं है, f a और f b इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमें लैग्रेंजीज थ्योरम अप्लाई करना है। देन एफ डैश, देन देयर एग्जिस्ट, वी राइट द सेम थिंग, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यू सी बिलोंग्स टू 1,2 सच दैट। क्या करना है सच दैट में? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस, जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले में रखना है, ये फॉर्मूला है। अब एफ डैश सी हमारा जो डिफरेंशिएशन था वो क्या आया था डिफरेंशिएशन? माइनस लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पे सी लिखना है तो माइनस लॉग सी हो गया इज इक्वल टू। एफ बी हमारा क्या आया है? एफ बी हमारा आया है 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग 2, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग 2। और एफ ए क्या आया था हमारा? 1 आया था, देन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आता है, क्या 1 और 2 के बीच में लाइक रहेगा? 2 माइनस 2 लॉग 2 माइनस वन अपॉन वन, टू माइनस वन वन हो जाएगा, 1 माइनस 2 log 2। अब इसको जितना भी, जैसे हमको सी निकालना है तो माइनस उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास में log c इज इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1। अब इसमें और भी वैल्यूज को मतलब कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 को हम यहां पे ऊपर रख दें तो ये क्या आ जाएगा log 2 स्क्वायर यानी log 4 लिख सकते हैं। इस 1 को log
10 लिख सकते हैं, ये पता है आपको, ये नाइन्थ के चीजें हैं लॉग के बारे में। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं लॉग 4 बाई 10 भी लिख सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन फॉर्मूला लग गया। अब सी की वैल्यू आ गई 4 बाई 10 यानी 2 5 तो 2 5 / 2 यानी 0.4, और हमें पता है 0.4 लाई कर रहा है कि नहीं, 4 बाई ये ई में आएगा, ई की वैल्यू रखेंगे लॉग ई 4 बाई ई ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 10 की जगह ये 9th में होता था जब हम 10 लेते थे, यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया जाता है। तो C इज इक्वल टू 4 बाई ई। अब 4 बाई ई जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू जो हम E की वैल्यू रखेंगे, E lies between किस में होता है, E lies between यानी E 2 और 3 के बीच में लाई करता है, जब E की वैल्यू रख देंगे कोई भी 2 और 3 के बीच में 2.87 समथिंग होता है उसको रखेंगे तो ये 1 से अधिक आएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इज लेस देन द, तो अगर हम E की वैल्यू 2 से लेके 3 या हम कह सकते हैं 2.87 ये कंफर्म नहीं, मतलब करीब करीब अप्रॉक्स ये वैल्यू होती है, तो इसका मतलब 4 बाई ई लाइज बिटवीन 1, 2। अब दिस वेरीफाई द लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक यू।